और बढ़ने वाली है प्रार्थना की शक्ति। सीमा का षड्यंत्र हुआ नाकामयाब। टीवी सीरियल नागिन 6 में सीमा और महक ने मिलकर प्रार्थना के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा था, लेकिन सीमा और महक का षड्यंत्र उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महक के पास से जादुई पायल चली गई है और महक एक बुजुर्ग महिला में तब्दील हो गई है और वो बस कुछ ही घंटों की मेहमान है, यानी जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। लेकिन सीमा अभी बची हुई है और उसने किरमिरा यानी एक मायावी बैल को प्रार्थना और बच्चों पर जानलेवा हमला करने के लिए बुलाया था, लेकिन सीमा का वो दांव भी उल्टा पड़ता नजर आया। प्रार्थना ने मायावी बैल को मौत के घाट उतार दिया है और बच्चों को उससे सुरक्षित बचा लिया है। इसी बीच सीमा अब भी प्रार्थना को मुश्किल में डालने का प्रयास कर रही है। सीमा चाहती है कि वो किसी भी हाल में प्रार्थना को मौत के घाट उतार दे, लेकिन सीमा का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि प्रार्थना की शक्ति अब और बढ़ने वाली है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि आने वाले वक्त में नागिन में और भी खतरनाक विलन देखने को मिल सकते हैं। अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में एक नया चेहरा भी दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौनी रॉय की एंट्री हो सकती है। हालांकि मौनी रॉय की एंट्री होगी या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से कहानी अब बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी है, ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि जल्द ही शो ऑफ एयर होने वाला है और अब नागिन में क्लाइमैक्स की शुरुआत होने वाली है, ये कहा जा सकता है क्योंकि जल्द ही इसका ग्रैंड फिनाले दिखाया जाएगा। टीवी और नागिन से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।